Hello everyone, as you know that we will already discuss about the worms and its types. Okay, so we discuss one in previous class and today class we will discuss about worm. Okay, so all these things is related to your information hacking schemes where your information is hacked by someone else. So we discuss about the worms concept. Okay, so here we have worm. Worm means as it's a software. And what is the use of this and how it's work? So we see it is a one by one. Okay, so look, a computer worm is a standalone program made to replicate automatically. Worms भी क्या है, एक ऐसे software होते हैं जिसमें ये क्या करते हैं. देखिए, सबसे पहले इनकी working समझते हैं. ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपने आप को ऑटोमेटिक जो है रिपीट करते रहते हैं. ठीक है, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं. अ वॉर्म रिप्लिकेट्स कंटिन्यूसली अंटिल द इंटायर हार्ड डिस्क स्पेस एंड मेमोरी आर ईटन अप. ये अपने आप को इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं, रिपीट करते रहते हैं जब तक ये हार्ड डिस्क पूरी तरह से भर ना जाए, मेमोरी पूरी तरह से ये खा ना ले, तब तक ये अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं. जैसे एक फोल्डर बना हुआ है, एक फोल्डर के बाद जो है दूसरा फोल्डर जो है यहाँ पे बन गया, तीसरा फोल्डर बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फोल्डर जो है किस तरह से बन रहा है. ठीक है, तो ये अपने आप को इतना स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, वही वही नाम के इतने सारे फोल्डर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी सब कुछ भर देंगे. ओके, सो मेमोरी आर ईटन अप एंड इट मे डू सो विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन. और इसलिए ये सारी चीज़ें ये करते रहते हैं और यूज़र को पता भी नहीं चलता है, यूजर उसमें कुछ कर भी नहीं पाता है. ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स स्प्रेड ओवर द इंटायर हार्ड डिस्क एंड मेमोरी कंसिक्वेंटली एंड स्लो डाउन द सिस्टम. तो इस तरह की जो है रिप्लिकेशन की प्रोसेस, रिपीट होने की प्रोग्राम्स जो है चारों तरफ फैलते जाते हैं, पूरी हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है, भर जाती है, आपकी मेमोरी जो है पूरी तरह से स्लो डाउन हो जाती है, कंप्यूटर की स्पीड कुछ नहीं रहती है. अनलाइक अ वायरस, अ वॉर्म डज नॉट नीड टू अटैच इट सेल्फ टू एन एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और कोड. वायरस की तरह भी इसमें जो है इसको वॉर्म को भी कोई अटैच करने की अपने आप को आवश्यकता नहीं होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम कोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है. ठीक है, वॉर्म्स हार्म टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क बाय कंज्यूमिंग बैंडविड्थ एंड स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, वेयर एज वायरस ऑलमोस्ट ऑलवेज करप्ट और मॉडिफाई फाइल्स ऑन अ टारगेट कंप्यूटर. तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो वॉर्म्स होता है वह आपकी कंप्यूटर नेटवर्क का जो बैंडविड्थ होता है उसको कंज्यूम करके रख लेता है, उसकी बैंडविड्थ को वीक कर देता है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है. लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस ऐसा नहीं करते हैं, वायरस सिर्फ आपके फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं, जो भी आपके टारगेट चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि वॉर्म्स क्या होता है, किस तरह से अपने आप को रिप्लिकेट करता है, यहाँ पर कॉपी करता है और सारी हार्ड डिस्क को भर देता है. ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.